तेलोस दक्षिण में मातृश्री चिकन टेम्पर लिमिटेड कंपनी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पास दोस्तों, इसमें दोस्तों जो आईटी पास स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए दोस्तों नया भर्ती निकाली थी, जिसका लिंक दोस्तों बीच में 2-3 दिन बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी दोस्तों फिर से उसका लिंक जो है दोस्तों ओपन हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले क्या कर दिया था, बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी फिर से ओपन हो चुके हैं। और इसका वीडियो दोस्तों मैं ऑलरेडी पहले बना चुका था, आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक भी दोस्तों आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों। और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक भी दिया गया था, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक फिर से मिल जाएगा। तो जो नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले आप लोग समझ लीजिए कि इसमें आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला, क्या इसमें आपका एलिजिबल क्रिटेरिया लिया जा रहा है, फिर जाकर आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका इसमें रहने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट होता है दोस्तों, जिसमें टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड बिहेवियर से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल दोस्तों आपका इसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं दोस्तों ऑलरेडी 50 क्वेश्चन का वीडियो बना चुका हूँ, जिसका 2 वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों। दोनों वीडियो का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, जो टेक्निकल और जो दोस्तों कुछ आपका ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका भी दोस्तों मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट आर नॉट अलाउड, तो जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट है जिनके आंखों में कम दिखाई पड़ता है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्लीज नॉट दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म डज नॉट गारंटी यू द सिलेक्शन इन दिस प्रोसेस। तो यहाँ पे दोस्तों ये बोला गया है कि आप एक बार इसमें अप्लाई करते हैं तो ऐसा कोई आपको गारंटी नहीं दिया जाता कि आपका इसमें सिलेक्शन हो ही जाएगा, नहीं भी हो सकता है किसी भी कारण से। एलिजिबल कैटेगरिया जो इसमें लिया जाता है दोस्तों, 18 से 23 ईयर्स यहाँ पे एलिजिबल कैटेगरिया रखा गया है, तो जिनका 18 से 23 साल तक है वो इसमें अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आईटी पास आउट होना चाहिए, गवर्नमेंट आईटी पास आउट ओनली नहीं दोस्तों, यहाँ पे दोनों अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट आईटी सीखें या प्राइवेट आईटी सीखें, दोनों को इसमें लिया जाता है। आईटी काउंसलिंग यहाँ पे एससीबीटी एनसीबीटी यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ लिख दिया है, दोनों इसमें अप्लाई करके और अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप का टाइम दोस्तों अभी आपको इसमें 18,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जा रहा है, उसके साथ आपको कैंटीन पास पीएफ पीएसआई या मेडिकल आपको दोस्तों दिया जा रहा है। पीएफ सिर्फ दोस्तों नहीं दिया जाता इसमें, गलती से मैंने पीएफ आपको बता दिया, इसमें पीएफ छोड़ के बाकी जो भी फैसिलिटी दोस्तों सारी फैसिलिटी आपको दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्रेजेंटली मैं इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि किसको कितना सैलरी दिया जा रहा है। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे दे दिया गया है कि पहले आपको ईमेल डालना पड़ेगा, ईमेल डालने के बाद उस ईमेल पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा जो दूसरा नंबर पे आपको डालना है, उसके बाद दोस्तों आपका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद दोस्तों आप आराम से भर लीजिएगा, और भरने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट हो गया है, आईटी का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सारे डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपका फादर्स नाम, अपना नाम, एड्रेस, सारा कुछ दोस्तों डेट ऑफ बर्थ से चेक कर लीजिएगा, कहीं पे भी कुछ भी गलत अगर है तो आप इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, आप पहले सुधार लीजिएगा फिर आप इसमें अप्लाई करेंगे कि इसका लिंक आते रहता है, और अगर सारा कुछ आपका सही है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बस। तो जो जो स्टूडेंट इसमें अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं जाकर फटाफट से अप्लाई कर, अप्लाई का जो लिंक है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उससे जुड़ के आप मैसेज भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।